एमएच कृषि उपज मंडी में मौजूद है। लहसुन मंडी में खास तौर से आए हुए हैं क्योंकि इन दिनों लहसुन की बंपर आवक हो रही है। लगातार सोमवार से देखें तो नीमच कृषि उपज मंडी के बाहर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं मंडी प्रशासन ने भी ज़्यादा आवक को देखते हुए व्यवस्थाओं में सुधार किया है। खास बात यह है कि आज से मंडी को 9:30 बजे नीलामी यहाँ शुरू कर दी गई है, जो पहले 10 बजे थी। दूसरी बात यह है कि आवक को देखते हुए जो ट्रैफिक व्यवस्था बार बार बाधित हो रही थी, तो अब ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है और आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। दूसरी ओर बात करें आवक की, तो लगभग अंदर बाहर करें तो 20,000 के करीब बोरी की आवक हुई है मंडी में। वहीं बात करें भावों को लेकर, तो देसी जो लहसुन है, आज लहसुन के दामों में गिरावट देखी जा रही है। जो करें यदि ऊटी की लहसुन की, तो ऊटी की जो लहसुन है वो अधिकतम 12 तक जा रही है और न्यूनतम की बात करें तो 4,000 तक जा रही है। इससे थोड़ी सी मायूसी किसानों को हो सकती है क्योंकि मूल वजह यह है कि आवक ज़्यादा है और लगातार आवक हो रही है। वहीं किसान की भी परेशानी यह है कि उसको भी अपने समय रहते उपज निकल को बेचना है क्योंकि देनदार लेनदार बहुत सारे हैं। कुछ किसान भी हैं, कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का भाव मिल रहा है। भाऊ जी, क्या नाम है आपका? सवाई सिंह। सवाई सिंह जी राठौड़ा। हाँ, तो राठौड़ साहब ये बताइए कि आप कहाँ से आए? हम भंडार के पास में असावता से। आज क्या लेके आए हैं? लहसुन। लहसुन कौन सी लाए? मतलब देसी लहसुन। तो इतने दूर से आया, कितना क्या भाड़ा लग गया? भाड़ा 6-7 हज़ार लग गया। आप देख रहे हो पिछले कई दिनों से बंपर आवक हो रही है। हाँ, हो रही। आज से यदि 20 दिन पहले जाए तो 30 रुपए किलो तक लहसुन बिक रही थी। हाँ, बिक रही थी। और आज आए लगभग ये 10 के आसपास आ गए, 10-12 के, 10-11। हाँ। तो आप लहसुन लेके आए तो आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है अच्छा भाव मिलना चाहिए। कितना उम्मीद के आप इतने दूर से आए तो कुछ अपेक्षा तो होगी? 15-16 हज़ार तक तो मिलना चाहिए, उतरेगी भाव। तो आज जो भाव है काफी डाउन देखो। बहुत डाउन है। हाँ। बहुत डाउन है। तो आपकी तो देसी लहसुन है। हाँ, तो आप रोक सकते थे ना इसको? नहीं रोके नहीं, अब काम भी तो करना पड़े। मजदूरों को उखाड़ने वाले को पैसा देना, वो काटने वाले को देना, वो देना, बहुत सारा काम है। कुल मिला के जो लोगों की उधारी है या किसी को पैसा पेमेंट करना है, वो तो करना। पैसों के चक्कर में आपको बेचनी पड़ रही है। तो अब यदि मान लो कि भाव आपको में ही मिलता है अभी, अच्छा और कितनी लहसुन है आपके घर पे? अबे थोड़ी बहुत है और, तो भी खेतों में आलू खाने दे रही है। अच्छा, तो अभी रोकने का विचार है क्या? हाँ, रोकेंगे, भाव नहीं फिर क्या करेंगे। ठीक है। हाँ, तो जैसा कि राठौड़ साहब ने बताया कि जो लहसुन है वो मजबूरी उनकी अभी जो किसान ला रहा है कि चाहे दाम कम मिले या कुछ हो, ऐसी स्थिति में उनको रोक नहीं सकते क्योंकि मजदूरों की देनदारी देनी है, बाकी भी और कोई चीज़ें हैं। जो राठौड़ साहब है उनकी लहसुन देख लीजिए, ये लहसुन है, देसी लहसुन है, अच्छी बढ़िया है। आप देख सकते हैं ऐसे गोले हैं इनमें, देखो ये बहुत अच्छे गोले हैं, पास मिले हैं। कुल मिला के लहसुन अच्छे और इनको भी उम्मीद है और हम भी चाहेंगे कि किसान को अच्छी उपज का दाम मिले। हालांकि एक खास बात यह है, अच्छी नीमच कृषि उपज मंडी में और मंडियों की अपेक्षा बेहतर दाम मिलता है, जिसके चलते 200-250 किलोमीटर दूर से किसान यहां अपनी उपज लेकर आते हैं।